stand up at your place. What is the general form of a polynomial? General form, standard form of a polynomial. If I have to write down a polynomial of degree n, how I will write it down? घर जाके फेरी नहीं पड़ी यार. Yesterday I had given this homework only. One more question was there जो हम यही कर चुके थे. Maths जो है वो ऐसा subject है which demands regularity. अगर आप रेगुलर नहीं हो तो यू वॉन्ट बी हैविंग अ होल्ड ऑन दिस सब्जेक्ट. फिर वो आपको टफ लगेगा ही लगेगा. रुद्र, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. ए रेज़ टू पावर एन. इसके बाद क्या लिखते हैं? यहाँ ओके. यहाँ कुछ साइन है प्लस या माइनस? कहाँ टू लिखूं फिर? कॉमा कैसे आ गया? अगर मैंने ये लिखा, व्हाट इज दिस? ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, पॉलिनोमियल को. तो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है. कैसे लिखा हुआ है? हाँ, तो इधर क्या आएगा? बीच में प्लस या माइनस जरूर लगेगा. देन ओनली आपके टर्म्स जो है वो डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म. प्लस लगा दूं? ओके. ए रेज़ टू पावर नीचे टू. ओके, इज दिस अ पॉलिनोमियल? विच वेरिएबल यू आर हैविंग इन दिस? वेरिएबल तो है ही नहीं बीच में, दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स. ये पॉलिनोमियल है? वाई नो? अगर मैं ये लिख दूं, इज इट नॉट अ पॉलिनोमियल? यस मींस है या नहीं है? इट इज अ पॉलिनोमियल. विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज इट? मोनोमियल एज वेल एज अ लीनियर. कैसे है? इट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. तो आपने ये जो बोला, दिस इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, वेरिएबल नहीं है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, उसमें आप वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखोगे. ये आपका एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया जिसमें आपने कांस्टेंट टर्म्स दे दी, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया. बट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. रोहन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल. ए एन. बात ही नहीं भाई. ए टू प्लस ए वन x plus a. Is it correct? हाँ जी. ए वन पहले कहाँ? वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x to the power n.
sit down beta, x to the power n minus 1 and so on, x square x and x to the power 0. यहां these are representing, किसको represent कर रहे हैं ये? Constants को. तो चाहे a 0 इधर लिखो, चाहे a n इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, a 0 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a 0 x to the power n, a 1 x to the power n minus 1 and so on. लास्ट में इधर आ जाएगा आपका क्लियर, a जीरो a वन a टू एंड सो ऑन अप टू a n. कौन से नंबर्स होते हैं, कॉफिशियंट्स हैं, किसको करते हैं बिलोंग, दीज आर द रियल नंबर्स. x क्या है, दैट इज अ वेरिएबल. n क्या है, दैट इज अ होल नंबर, और यू कैन से दैट इज अ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटेक्ट. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ध्रुव, इज दिस क्लियर नाउ, याद रहेगी, ध्यान इधर हो पूरा बोर्ड की तरफ. इसके बाद कल हमने डिस्कस कर लिए थे लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ओके, योर नेम इज हिमांशु. Just give me an example of a cubic polynomial. Cubic mein, what should be the degree of the polynomial? Let him tell, beta. Let him tell. Jisko main keh rahi hu, wo hi bachcha batayega mujhe. Kya hoti hai degree ek cubic polynomial? Tomorrow I will ask this type of questions only, and on the basis of that your answers you will be given the marks for जो भी आपका test अभी हमने नहीं लिया है. ठीक है, this chapter only polynomials, यानी कि you can say a kind of oral test will be there. For tomorrow only. हाँ जी, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटे, डिग्री थ्री वाला कोई भी एक एग्जांपल दे दो मुझे, कुछ भी आप अपनी मर्जी से बोल सकते हो. एक्स की पावर थ्री होनी चाहिए, दैट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. शुभम, सिट डाउन. हाँ जी, x माइनस, ओके दिस वन यू आर सेइंग, यस इज दिस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. जस्ट करण, व्हाई इज इट नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? इमीडिएटली यू रिस्पॉन्डेड कि नो, व्हाई, क्यों नहीं है ये क्यूबिक? सिट डाउन प्लीज. क्यों नहीं है, आपको क्यों लगा कि ये क्यूबिक नहीं है? है, क्यों है? हाँ जी, वॉल्यूम ऊंचा रहे, जब बातें करते हो ना सबसे ऊंची आवाज आ रही होती है. एक्स की पावर क्योंकि थ्री है, हाईएस्ट पावर थ्री है, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. बाकी टर्म्स यहाँ वन है, स्क्वायर वाली मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कोई बात नहीं, हाईएस्ट पावर को आपने चेक करना है. मिलन, गिव मी द एग्जांपल ऑफ अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक, बायक्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री फोर. अब सारू ने टू टर्म्स ही बतानी है ना, सिट डाउन. प्रगुन, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब मुझे एक थ्री टर्म्स वाला भी बताओ फिर. सिट डाउन, किसकी इस रो में सबकी टर्न आ गई? यू आर सिटिंग इन दिस रो ना, सार्थक. हाँ, तो यू डिडंट गो. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैं वैसे रूट कॉज ही, आप बैठो, रूट कॉज हटाएंगे यहां से, उठो और उधर चलो लास्ट बेंच पे.
ना पढ़ रहे हो ना पढ़ने दे रहे हो। दैट साइड नेक्स्ट रो। हां जी बेटा क्या पूछा है मैंने आपसे? हाँ तो एग्जाम्पल दे दो कोई भी। काउंटिंग आती है? कोई भी नंबर बोल दो, दैट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। थ्री। लास्ट बॉय व्हाट्स योर नेम? सिट डाउन। व्हाट्स योर नेम? ओके। व्हाई इज दिस अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल? ये कॉन्स्टेंट क्यों है? हाँ जी गर्ल्स बातें नहीं। अपना बेंच ना बिल्कुल दीवार के साथ लगा ले। शिफ्ट योर बेंच। नंबर है तो कांस्टेंट हो गया। डिग्री क्या होगी इसकी? जीरो और वन। वाई वन। बेटा आपकी टर्न आ गई, डजंट मीन कि यू आर फ्री टू टॉक। नो डिस्कशंस क्लास में। अगर ये डिस्कशन सुन लोगे मैं किससे क्या पूछ रही हूँ, बहुत सारी चीजें लर्न हो जाएंगी यहीं पे। वन और जीरो। वाई वन। डिग्री वन का मतलब एक्स की पावर क्या होगी? हाँ जी डिग्री वन का मतलब एक्स की पावर इज। कल कुछ नहीं सुना ना आप घर से पढ़ के आए हैं। ऑनलाइन क्लास अटेंड की थी, बहुत अच्छी बात है। हरनूर डिग्री क्या है इसकी? वन है। डिग्री वन का मतलब क्या होता है? हाँ जी कॉन्स्टेंट के साथ। कैसे वेरिएबल नहीं है इसके साथ तो डिग्री वन हो गई? हाँ जीरो हुई। क्यों जीरो हुई? कल मैंने ये पूरा बताया था आपको, इसकी डिग्री जीरो है। क्यों जीरो है? इसको मैं और किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? गर्ल्स मन्नत बोलने से पहले ना मेरे को भी देख लिया करो कि मैं ना देख रही हूं। एक रिकॉर्डिंग में बार बार एक ही बच्चे का नाम जा रहा है। एंड द लिंक आई विल शेयर विद द पेरेंट्स। आप लोगों को मजाक लग रहा है? जिस दिन शेयर हो गया फिर आके अगले दिन बात करना मेरे से। मुझे लिंक शेयर करने में हार्डली इट विल टेक वन मिनट हार्डली। हां जी हरनूर इसको मैं 3 × x^2 क्या लिख सकती हूँ? x^1। आर दीज टू टर्म्स इक्वल? देन वन और जीरो। व्हाट इज दिस इक्वल टू? वन के इक्वल है। तो यहाँ एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? एनी नंबर रेज टू पावर जीरो इज वन। तो 3 × 1 दिस विल बी इक्वल टू 3। एंड जीरो रेज टू पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। एनी नंबर एक्सेप्ट रेज टू पावर जीरो इज वन, बट जीरो रेज टू पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। सिट डाउन। नेक्स्ट आस्था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। पूर्वी डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। बैठो। इट्स नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो है, सिट डाउन, दैट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ।
ठीक है, जीरो जो है दैट कैन बी रिटन इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स, सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से, या एक स्टैंडर्ड कह सकते हो आप बना दिया गया कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ध्रुव नहीं, नो, स्टैंड अप एट योर सीट, गेट अप एट योर प्लेस. मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आपसे. यहाँ वो बात आ जाती है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने तो कहा ही नहीं, आप बोल रहे हो, आप खुद ही एक्सप्लेनेशंस देने लग गए. ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये वर्ड क्या है, नंबर क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है ये? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप एट योर प्लीज. जीरो लिखा हुआ है तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ फिर ये? कोई ना, यहां से एक तो गलत आंसर मत दिया करो फॉर गॉड से. हाँ जी, कौन सा पॉलिनोमियल है? इज इट अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल. व्हाट विल बी इट्स डिग्री? मैं आप लोगों को शायद बार बार ये चीज बता रही हूँ कि इफ आई हैव मेड वन चाइल्ड टू स्टैंड टू टेल द आंसर, नो वन एल्स इज गोइंग टू गिव द आंसर. इनमें से कौन सी डिग्री होगी इसकी? एंड डोंट लिसन टू द अदर्स, दे आर गिविंग यू द रॉन्ग रिस्पॉन्स. डिग्री क्या है जीरो पॉलिनोमियल की? डिग्रीज, हाँ तो क्या बोलेंगे उसको? वहां पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आओगे, क्या लिखोगे वहां पे? नॉट डिफाइंड. गिव मी द प्रॉपर आंसर. ये कुछ भी नहीं, कोई वर्ड नहीं है वहां पे, नंबर भी फिर कुछ भी नहीं मिलेंगे. सिट डाउन. नेक्स्ट किसकी टर्न है? अर्शप्रीत, एक्सरसाइज निकाल लो. वन मोर थिंग, इन योर डिसम्बर एग्जाम्स कंस्ट्रक्शन चैप्टर आपका पूरा आएगा, एंड फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 ओनली. टोटल फोर चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर्स नोट डाउन कर लो. बैठो अर्शवी, बैठ जाओ बेटे. फोर एंड फाइव देन जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे एनुअल में लेंगे. 2.1, 2.2 एंड 2.3 ओनली फॉर योर दिसंबर टेस्ट, इंक्लूडिंग दीज थ्री चैप्टर. एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें 10 आपके एमसीक्यू प्लस 1 मार्क क्वेश्चन प्लस फिलअप्स प्लस ट्रू फॉल्स, एंड 40 आपके बाकी. 50, 50, 10 एमसीक्यू भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड आंसर भी हो सकता है. वो 10 इज अ मिक्सचर. बाकी 40 मार्क्स में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का आपका पेपर होगा. गॉट इट? दिस इज 3 नॉट 4, दिस इज 3, पीटी 3. सिलेबस नोट डाउन. ये पेज घूम जाएगा. हाँ जी बिल्कुल होंगे, 2 रिविजन टेस्ट विल बी देयर. चलिए अर्शप्रीत, कल वाले क्वेश्चन से आगे अब हम डिस्कस करेंगे. कहाँ तक हो गए थे कल? ओके, फर्स्ट वी हैड डन, सेकंड वन बाय वन अब आप लोग बताते रहोगे. यू जस्ट स्टैंड अप ओवर फ्रॉम देयर, कम एंड सिट हियर, यहाँ आ जाओ. चुप नहीं ना बैठ सकते क्योंकि आप, दिस इज द लास्ट ऑप्शन विद मी. हाँ जी बेटा. Question number 1, part 2. Y square plus root 2.
आज ना इधर गर्ल्स की बहुत आवाज आ रही है, तीनों इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आपको इसमें बताना क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. हाँ, तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर का मतलब क्या होता है फिर? इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हाँ, इट्स डिग्री एज द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस इज टू, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हालांकि उन्होंने लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं पूछा, बट आपको पता होना चाहिए. सिट डाउन. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, थ्री रूट टू प्लस टी रूट टू. It is not a polynomial. Why? Yes, its degree is not a whole number. What, sir? Straight. Next, kiski turn hai? Y plus 2 upon y. Aisa maine kal bhi ek karwaya tha. Why? No. It is in kya fraction mein hai? Okay, aap keh rahe ho it is in fraction. You are giving me this reason. अगर मैं अब इसको ऐसे लिख दूं, ये भी फ्रैक्शन है, तो इज इट नॉट अ पॉलिनोमियल? आप फ्रैक्शन के करके कह रहे हो कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है. रीजन बताओ मुझे, डिफ्रेंशिएट करो. नहीं है कैसे? आप फिर ये मत कहो कि ये फ्रैक्शन में है. आप ये कहो कि जो आपका वेरिएबल है दैट इज इन द डिनोमिनेटर, तो जब आप उसको ऊपर लेके आओगे इट्स पावर इज नेगेटिव. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, दैट इज अ फ्रैक्शन. गॉट इट? फ्रैक्शन वाला रीजन नहीं दोगे, अदरवाइज ये फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन है. वन बाय टू इज अ फ्रैक्शन. क्लियर? चलिए हेवन, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. ये मुझे भी बताना, बिना बुक के मैथ्स कैसे होता है? फिफ्थ पार्ट, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? ओके, थ्री वेरिएबल्स आर देयर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. एक्स स्क्वायर और क्यूब, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये सॉल्व करके बता वाला कौन है बीच में? क्यों, इसमें क्या सॉल्व करोगे बताओ मुझे फिर? ही वॉज ऑल्सो गिविंग द सेम आंसर. यू आर टू टेल द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन पॉलिनोमियल्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इज, तो योर आंसर विल बी वन. नेक्स्ट वत्सल, सेकेंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इट्स माइनस वन. साइन साथ में जरूर लेना है. नेक्स्ट, पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाय टू, रूट टू एक्स माइनस वन, इट्स जीरो. नेक्स्ट, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. एक्स रेस टू पार 35 प्लस एक्स, और एक्स रेस टू पार 35 प्लस कुछ भी आप लिख सकते हो, बट 35 से जो है उसकी पावर एक्स की ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट वन, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100,
थ्री एक्स रेज टू पावर 100 मोनोमियल है तो सिंगल टर्म विल बी देयर. सिट डाउन. नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इट्स 3. सिट डाउन. नेक्स्ट 4 माइनस 4, जैसे मर्जी कर लो, सबकी टर्न आ जानी है. हाँ जी, फोर्थ का सेकंड इट्स 2. 4 माइनस वाई स्क्वायर में डिग्री बतानी है बेटे. डिग्री में साइन नहीं लेना साथ में, ठीक है? डिग्री मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. सिट डाउन. अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. साइन नहीं लेना, डिग्री में साइन नहीं लेना साथ में कोफिशियंट का, ये ध्यान रखिएगा. लास्ट टू बॉयज यू आर डिस्टर्बिंग मी अलॉट. वो शी वॉज आस्किंग कि माइनस नहीं है, दैट्स वाई आई रिपीटेड. अब ये वाली ना वार्निंग जो मैंने दे रही हूं प्रेजेंटली, दिस इज योर लास्ट वार्निंग. आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी ऑफ योर एक्सक्यूजेस. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 5t माइनस रूट 7 डिग्रीज 1. नेक्स्ट वन फोर्थ 3 डिग्रीज 0. कॉन्स्टेंट है तो डिग्रीज 0. नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट पार्ट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. रीजन भी दो साथ में. इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2 सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री इज 3 सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट 1 प्लस एक्स इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट ध्रुव फिफ्थ पार्ट 3t लीनियर पॉलिनोमियल. वाई रीजन, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. लीनियर हो गया, रीजन दो. डिग्री क्या है तो लीनियर हो जाएगा. हाँ जी, डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा. बैठिए. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. बातें करोगे ना तो यही कुछ होगा. नेक्स्ट वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज द हाईएस्ट डिग्री इज, हाईएस्ट पावर इज 2. सेवेंथ इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जिसमें आपकी वेरिएबल की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है. लेट अस सपोज आई एम हैविंग दिस पॉलिनोमियल. अब x square minus 2x, I have to find out the zero of this polynomial. Zero इस polynomial का कौन सा number होगा जिसको हम अगर x में put कर दें, यानी कि x को अगर हम उस number से replace कर दें, तो ये वाला answer जो है मेरे पास क्या बन जाए? Zero. Got it? तो क्या ले सकते हैं अब इसमें? एक तो zero ले सकते हैं, p of zero. x को जब मैं zero put करूंगी तो that will give me the answer as zero. It means ये क्लियर है यहां तक. अब नेक्स्ट वन इज
यू आर स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, योर नेम इज हरगुन. दोनों में से कोई भी वर्ड में यूज कर सकते हैं. तो आई कैन यूज बी एक्स ऑल्सो, आई कैन यूज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑल्सो. ओके, दिस वी विल कंप्लीट टुमारो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग.